हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के पांच ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको सीखना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखिएगा। और दोस्तों, आपको मैं पहले ही बोल देता हूं, अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट हो तो ही आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए, वरना वीडियो को आप यहीं पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको जरूर इस वीडियो को देखना चाहेंगे। अगर आप देखेंगे तो पूरे अच्छे से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो लेकर आया हूं। तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि संजय एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और मोनू संजय से 20% अधिक दक्ष है, तो मोनू उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने का एकदम बेहद ही आसान तरीका ये होता है कि सबसे पहले जो हमसे बोला गया वो लिखते हैं। मान लिख के चलिए कि बोला गया कि संजय जो है कार्य को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। तो यानी कि एस इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं कि 12 दिन, ठीक है, संजय 12 दिन में करता है। उसी प्रकार बोला जा रहा है कि मोनू संजय से 20% अधिक दक्ष है, यानी कि मोनू एम हो गया और एम जो कर रहा है क्या, इससे आपका 20% अधिक। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है, जो भी जितना प्रतिशत कम या अधिक है आपको बटे में लिखना है। जैसे कि 20% अधिक बोला गया था तो 120 कर दिया, अगर यहीं पर 10% कम बोला जाता तो मैं 100/90 लिखता, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि ये 0 से 0 कट गया और आपका 12 से ये 12 कट गया, ऊपर में कितना बचा, 10। तो जो प्रश्न बोला जा रहा था कि मोनू उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो मोनू यहाँ पर उस कार्य को 10 दिनों में करेगा, यानी कि एम इक्वल टू 10 डेज आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पर आपसे बोला जाता है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे जैसे आपको करने आता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है बहुत सारी नॉलेज जो सीधे सीधे आपके एग्जाम से रिलेटेड होती है। यहाँ पर कोई क्लिकबेट नहीं कराया जाता, यहाँ पर आपको सिर्फ वही बताया जाती है जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, उसको कैसे बनाते सीख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरा जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो चुका है इस टाइप के प्रश्न, और अगर आप इसको बनाते हैं तो ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर एक शॉर्ट तरीका से बनाना सिखाएंगे, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बताता हूँ किस टाइप का प्रश्न है कि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेशित एक निश्चित धनराशि प्राप्त जो ब्याज है आपका, यानी कि 168 जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है। और बोला जा रहा है कि यदि समान धनराशि को समान दर पर समान समय अवधि के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता तो ब्याज की धनराशि क्या होती, यानी कि एसआई पूछा जा रहा है कि एसआई क्या होती। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा आपका धनराशि कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज पर धनराशि क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को निकालने के लिए अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो भी आपका निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आपका सीआई इक्वल टू, अगर ये आपका फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि जो होता है 1+R/100 का स्क्वायर -1, ठीक है, अगर आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं तो भी आपका हो जाएगा, लेकिन ये देखिए ज़्यादा कुछ लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हम आपको एक शॉर्ट तरीका बताते हैं। देखिए, हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसको पहले लिखते हैं, यानी कि जो आपका 168 है वो मैंने लिख दिया, और पी हो जाता है आपका जो धनराशि निकालना है वो, और यहाँ पर जो आर दिया रहता है ये आपको समझना है। तो देखिए, आर को हम लोग यहाँ जब 10% रहता है तो यहाँ पर 21% हो जाता है। अब ये कैसे हो जाता है इसको हम आपको डिटेल में थोड़ा सा यहाँ पर समझाते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं डिटेल में इसको समझना तो उसके लिए मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है अपने सीआई और एसआई का नोट्स के लिए, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पर मेरी पूरी एक आपका जो पीडीएफ मैंने बनाया नोट्स वो आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं इसको अच्छे से समझना। तो मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर एक थोड़ी सी समझाता हूँ। जैसे कि देखिए, यहाँ पर ध्यान रखना, ये 2 वर्ष के लिए ट्रिक होता है। अगर मान के चलिए कि आपका 2% दिया हो तो ये आपका हो जाता है, पहले इसमें 2 से गुना करते हैं ये आपका 4 हो जाएगा, और इसका 2 का स्क्वायर कर देते हैं जो कि 0.4 हो जाएगा, तो ये आपका परसेंट हो जाएगा। अगर वहीं पर आपका 5% यहाँ पर दिया रहता तो हम लोग लिखते हैं 5 × 2 करते हैं तो 5 × 2 = 10 हो जाता, और यहाँ पर स्क्वायर यानी कि 25, ये परसेंट मैंने यहाँ पर लिखता। और वहीं पर देखिए, अगर 10% मैंने दिया है तो क्या करेंगे कि 10 × 2 यानी कि 20 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर आपका अगर स्क्वायर इसका करते हैं तो कितना हो जाएगा, 100,
और जब तीन पॉइंट, जब यहाँ पर तीन चीज़ें आती हैं पॉइंट के बाद तीन, तो ये आपका वन इसको में जोड़ दिया जाता है, यानी कि 20 और 1 21% ये हो जाता है। तो इसको मैंने अच्छे से डिटेल में अपने नोट्स में समझा दिया, अगर आप वहाँ उसको समझना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए इस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका 8 बार में कटेगा और पी बराबर 800 निकल जाएगा। और आप यहाँ इस फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपका पी इक्वल टू आपका 800 ही आएगा, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए जब पी हमारा आ गया तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि समान धनराशि समान दर पर समान समय अवधि के लिए साधारण ब्याज। तो जब हमको पता है कि SI इक्वल टू निकालना होता है तो क्या निकालते हैं, पी गुने आर गुने टी और बटा में 100, ठीक है। और यहीं पर हम लोग वही कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए पी का वैल्यू आपका कितना आया है 800, और आर का वैल्यू जो दिया था आपका 10% है, तो यहाँ पर हम लोग 10 लिखेंगे। और टी का वैल्यू आपका 2 वर्ष के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे और बटा में आपका 100 हो जाएगा। और यहाँ से आपका 100 से 00 से 00 कट गया, और देखिए 8 × 2 = 16, 16 × 10 आपका 160 रुपया आपका हो जाएगा साधारण ब्याज, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आई तो आप हमारे उस नोट्स को जरूर देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आती है तो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न आपका किस टाइप का रहता है। दोस्तों देखिए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने इस टाइप का है कि ये ट्रिगोमेट्री से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो इस जो ये प्रश्न होता है आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है इस टाइप के क्वेश्चन, तो घबराना कोई बात नहीं है, बस बहुत ही ईजी होता है, आप एक बार बस इसको समझ लीजिए कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये हम लोग इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग पहले क्या करते हैं, तो मान के चलिए अगर 4p इक्वल टू sec थीटा, तो हम अगर इसको लिखेंगे p इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, sec थीटा बटा में 4, ठीक है, ये हो जाएगा। और उसी तरह हम लोग अगर 1p लिखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 4। यहाँ तक क्लियर अगर हो जाता है आपको। अब देखिए थोड़ी सी अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, देखिए ये फॉर्मूला किस टाइप का लिखा हुआ है, यानी कि a² - b² तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a - b × a + b, ये आपको ध्यान में रखना हो, ये फार्मूला आपको याद होगा। तो बस हम लोग इसी फार्मूला का यूज़ यहाँ पर करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ का अगर हम लोग रूप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 - 1/p, और वहीं पर यहाँ पर लिख देंगे p + 1/p, और स्टार्टिंग में आपका 8 लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी हम लोग 8 लिखेंगे, क्लियर है। अब देखिए p का वैल्यू हम लोग यहाँ पर सबका वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए 8 का मैंने 8 लिख दिया और p का वैल्यू आपका है sec थीटा अपॉन में 4, और वहीं पर 1/p का वैल्यू आपका है tan थीटा अपॉन में 4, क्लियर है। और वहीं पर हम लोग यहाँ पर भी वही इसी तरह से लिखेंगे, sec थीटा अपॉन में 4 और माइ प्लस में यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा अपॉन में 4, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आप ये समझिए कि दोनों का अगर हम लोग LCM लेते हैं तो ये आपका हो जाता है 1 = 4 हो जाएगा, और यहाँ पर सेम हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा, और उसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। अब देखिए दोनों का अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका हो जाता है 8, तो आपका स्टार्टिंग का है, और ये 4 × 4 आपका हो जाएगा 16, और आपका ये ज्यों का त्यों हो जाएगा sec, सॉरी हाँ कर सकते हैं अगर चाहे तो, नहीं तो पहले आपको, ठीक है यहाँ पर कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। यहाँ पर स्क्वायर लिखा गया तो देखिए 8 × 1/16 मैंने यहाँ पर लिख दिया, और इसको हम लोग ज्यों का त्यों लिखेंगे sec थीटा माइनस tan थीटा, और उसी तरह आपका हो जाता है sec थीटा प्लस tan थीटा, क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि कैसे मैंने किया। अब देखिए आपका जो ये रूप है a माइनस बी, यहाँ पर a माइनस बी है और यहाँ पर a प्लस बी है, तो a + a × a - b × a + b का फॉर्मूला हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्लियर है। और देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ये आपका 1/2, यानी कि 1/2 तो हो गया, अब यहाँ पर आपका बच रहा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं कि 1/2 × 1। अब मैंने 1 इसका क्यों लिखा, क्योंकि आपका ये ट्रिगोमेट्री में फॉर्मूला होता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका 1/2 होता है, तो ऑप्शन देखिए 1/2 आपका मिल जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए किस टाइप का है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा नेक्स्ट, आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए चौथा प्रश्न आपके सामने ये है कि निम्न परीक्षा परिणामों का बहुलक, बहुलक का मतलब होता है मोड, ठीक है,
मोड आपसे पूछा जा रहा है कि ज्ञात करें। तो देखिए मोड जो हमेशा पूछा जाता है वो बहुत ही ईजी होता है और हमें कुछ करना नहीं होता है, बस हमको ये ध्यान में रखना होता है जो संख्या बार बार रिपीट हुई हो, यानी कि अधिक बार जब जो सबसे ज़्यादा रिपीट होती है वही हमारा मोड होता है। तो अगर हम इस जो सीरीज दिया गया अगर उस सीरीज को ध्यान से देखें तो देखिए इसमें कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, तो आप देख सकते हैं कि 80 यहाँ पर भी है, 80 यहाँ पर भी है, और 80 यहाँ पर भी है, और 80 यहाँ पर भी है। अगर कुल मिलाकर देखें तो 80 हमारा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, आप देख सकते हैं खुद से देख लीजिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 80। तो बहुलक यानी कि मोड का जो रूल होता है यही होता है कि जो संख्या अधिक बार घटित होती है, घटित का मतलब कि जो संख्या बार बार बहुत बार रिपीट हुई है उसी को हम लोग मोड कहते हैं, यानी कि बहुलक होते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 80। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो अब आपको अभी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है, और देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझिएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, और देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि बोला जा रहा है कि 3 वर्ष पहले 4 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु जो थी वो 32 वर्ष थी। परिवार में हाल ही में एक बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, लेकिन उसी समय परिवार के सबसे बड़े सदस्य यानी कि जन का नाम था राकेश की मृत्यु हो गई। यदि परिवार की नई औसत आयु 20 वर्ष है तो राकेश की आयु क्या होगी। अगर आप चाहते हैं इसको बनाना तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा टाइम लगता है तो, अगर आपको नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस वीडियो को देख लीजिए, आप अच्छे से समझ में जाएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे आज की वर्तमान उम्र, यानी कि जो चार सदस्यों का जो यहाँ पर बोला 3 वर्ष पहले जो उनकी औसत आयु थी वो 32 वर्ष थी, तो आज की उनकी कुल वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। तो वर्तमान आयु हम लोग को निकालने के लिए आपको पता होता है कि कुल आयु क्या करते हैं कि चार जो सदस्य थे और कुल आयु से उनको ऐड करते हैं, ठीक, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये थी हमारी जो 4 वर्ष पहले की, लेकिन 3 वर्ष पूर्व भी बोला जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो कुल सदस्य थे उनको 3 वर्ष से मल्टीप्लाई भी करेंगे ताकि वो 3 वर्ष पहले जो थे वो वर्तमान में आ जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि 32 × 4 आपका हो जाता है 128 और आपका हो जाता है 4 × 3 = 12, यानी कि कुल उनका वर्तमान जो उम्र है, उम्र का योग जो है आपका क्या है, आपका इतना ईयर्स है, ठीक है, यानी कि 140 ईयर्स है। क्लियर है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि बोला जा रहा है कि परिवार में हाल ही में एक बच्चे का जन्म हुआ। अगर हम लोग देखें तो पहले तो 4 थे लेकिन जब बच्चे का जन्म हुआ तो वो 5 हो गए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए कि लेकिन उसी समय परिवार के सबसे बड़े सदस्य राकेश की मृत्यु हो गई, यानी कि 5 सदस्य हुए और तुरंत ही एक जो सदस्य की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से टोटल फिर सदस्य कितने हो गए, तो 4 ही सदस्य हुए, ध्यान रखना। और यहाँ हमसे बोला जा रहा है कि यदि परिवार की नई औसत आयु 20 वर्ष है, तो देखिए अगर फिर से अगर हम लोग नए औसत आयु का योग निकालें तो क्या होगा, नया योग अगर आप निकालते हैं तो क्या हो जाता है, नया आयु का योग, तो हम लोग क्या हो जाएगा, तो देखिए पहले तो उतना ही था जितना आपका ये हो गया टोटल, और अब जो था आपका 4 जो लोग बचे हैं और टोटल फिर नया औसत आयु 20 वर्ष हो जाती है, यानी कि 20 × 4 = 80 वर्ष, ठीक है, 80 वर्ष। अब हमसे बोला जा रहा है कि राकेश की आयु, तो अब हम देखिए कि अगर टोटल पहले के जो आयु था उनमें से अगर आपका नया वाला घटा देते हैं तो हमारा निकल जाएगा, ठीक है, तो यानी कि राकेश की आयु यहाँ से आपको क्लियरली मिल जाएगी, तो राकेश की आयु क्या हो जाएगी 140 - 80, जिसका आपका मत हो जाता है 60, ठीक है, तो यानी कि राकेश की उम्र कितनी थी, तो 60 वर्ष, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी आज की ये 5 क्वेश्चन, और ये 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आप इसको एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, और वो आपको ध्यान में रखिएगा कि जो मैंने आपको बोला था कि CI और आपका SI का जो नोट्स है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF को, और उसको अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि वो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मिलते हैं इस प्रकार के अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।